जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आपको पता है FSSAI के एग्जाम्स संडे से स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस, जो हमारा एग्री बी चैनल है, इसके द्वारा हमने आपको कई सारे रिवीजन जो हमारे वीडियोस हैं वो दिए थे। तो आज का जो हमारा रिवीजन के लिए वीडियो आने वाला है, ये वाला पर्टिकुलरली, तो हम इसमें आज कंप्यूटर और GS से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। वही 20 क्वेश्चन जो कि मैं पिछले पार्ट में भी आपके लाया था, वही क्वेश्चंस लेके आया हूं। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मैक्सिमम इस चीज को कवर कर दें कि जिससे आपके यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको यहां पे देख लो एक बार, होगा ये कि आपके चांसेस रहेंगे कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको अपने पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे जीएस के पर्टिकुलरली सेक्शन में। क्योंकि आपको पता है जीएस और कंप्यूटर का वहां पे 10-10 मार्क्स के दो सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंसमेंट रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ 25 ईयर। 25 साल की उम्र में संन्यास ले लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से डिसीजन होता है, ठीक है, खेल जगत में। दैट इज एस्लिग बार्टे, ठीक है। पर्टिकुलरली ये ऑस्ट्रेलिया की थी, और हुआ ये था कि 44 साल बाद पहली बार कोई महिला थी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता भी था। नेक्स्ट है, व्हेन इज मार्टियर्स डे ऑब्जर्व। अब आपको लग रहा होगा शहीद दिवस भारत में सिर्फ एक ही होता है, एक नहीं होता है, कुल मिला के 5 होते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली वाला पूछा इन्होंने, दैट इज मार्च 23। तो मार्च 23, 1931 में भगत सिंह, ठीक है, को क्या करा गया था, फांसी दी गई थी। उनके साथ दो अन्य और व्यक्ति थे जो कि इनके दोस्त थे, आपने बताना है मुझे वो व्यक्ति कौन थे। ओके, नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आई एग्जाम बी के द्वारा FSSAI का कोर्स जो है हमने लॉन्च करा था, ठीक है, ये अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी भी आपको लगता है कि आप 2-3 दिन में कुछ कर पाएंगे तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हो। हमारे द्वारा इसमें सारे के सारे नोट्स दिए गए, आपके लिए चैप्टर टेस्ट क्रिएट करवाए गए, सो दैट इससे ये होगा कि आपकी जो तैयारी है उससे वो एक लेवल और ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप एनरोल अभी भी इसमें करवा सकते हो। नेक्स्ट है, विच टीम करंटली टॉप्स द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, पॉइंट्स टेबल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2022 के पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अभी कौन है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन विल पुष्कर सिंह धामी टेक्स ओथ एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। तो पुष्कर सिंह धामी, पहली बात तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं, योगी आदित्यनाथ कहाँ के बनेंगे, यूपी के बनेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली द आंसर इज 23rd, ठीक है, 23rd मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। ओके, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलिडे ऑन मार्च 23rd। तो जैसा कि आपको पता है पंजाब ने, ठीक है, पंजाब में भगवंत मान जैसे सीएम बनते हैं, उन्होंने पंजाब के भगत सिंह को क्या हुआ था, पर्टिकुलरली उनके जो शहीद दिवस मनाया जाता है तो उसको क्या करा है, पब्लिक हॉलिडे के रूप में घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, दैट इज मार्च 22, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड वाटर डे 2022 थीम फोकस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेश वाटर सोर्सेज। तो ये पर्टिकुलरली ये मैं डे आपको बता चुका हूं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है, सो दैट इससे मुझे ये पता लगेगा कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। इससे आप क्या होगा कि आप सर्च मारोगे और इससे रिलेटेड आप और भी चीजें पढ़ पाओगे, इसमें आप ही का फायदा है। तो आपने मुझे कमेंट देखना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि आप उसके बारे में सर्च करोगे। इंडिया इज रैंक एट विच पोजिशन ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में, इंडिया की रैंक क्या रही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, दैट इज 136, और इंडिया 5 पॉइंट दोबारा से नीचे हो गया है, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे ऊपर है। विच सिटी हैज इम्पोज सेंक्शन 144 टिल सेक्शन 144 अप्रैल 21 टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द व्यू ऑफ द कश्मीर फाइल स्क्रीनिंग। द कश्मीर फाइल आज के डेट में बहुत ज्यादा चल रही है, मूवी है, आपको पता है कई स्टेट्स ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो यहाँ पे कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग में कोटा के डिप्टी कलेक्टर जो है वहां पर, उन्होंने क्या कर दिया है, 144 सेक्शन लगा दिया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, 4 से ज्यादा व्यक्ति वहां पर जमा नहीं हो सकते। व्हेन इज बिहार दिवस ऑब्जर्व, बिहार दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है, इस पे भी आप पर्टिकुलर रिसर्च करिएगा। रिसर्च करने का तो आप मुझे कमेंट करिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपको जरूर वहां पे आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट में बताने हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर नेटवर्क LAN स्टैंड्स फॉर। तो LAN का मतलब क्या होता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक बिल्डिंग एक प्रीमाइसिस में क्या होता है पर्टिकुलरली यूज करते हैं, तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, एवरी होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, कोई भी होस्ट कंप्यूटर है इंटरनेट में, जैसे कि एक कंप्यूटर, इसके सर्वर हैं बहुत सारे, तो इस
कंप्यूटर का एक पर्टिकुलरली क्या होगा, 15 डिजिट का एक यूनिट यूनिक 15 डिजिट नंबर होगा, यूरियल यूआरएल जिसे बोलते हैं। डीएनएस को, डीएनएस का क्या फुल फॉर्म होता है, बेसिकली यही बोल रहा है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। ये हो गया आपका डोमेन नेम सिस्टम, आपने देखा होगा @gmail.com, तो ये क्या है, एक डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बूटिंग। बफरिंग क्या होता है, जब हमारा नेट चला जाता है, सेविंग होता है जब आप किसी फाइल को सेव कर रहे होते हो, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका अ हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। तो एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में टेम्पररी स्टोरेज के समय, प्रोसेसिंग के समय यूज करी जाती है, ठीक है, दैट इज अ रजिस्टर। ये रजिस्टर में पर्टिकुलरली ऐसी स्पेस होती है जब प्रोसेसिंग में इसको हम यूज करते हैं। यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज सी यूआरएल का, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की, अंडू द लास्ट एक्शन इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अंडू का क्या होता है, कंट्रोल जेड होता है, और कंट्रोल वाई होता है रीडू, कंट्रोल एक्स होता है कट। ये ध्यान देना आप, ये तीनों मैंने आपको बता दिया है, ओके। नेक्स्ट है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। तो यहां पे सीधा ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन क्या होगा एमएस वर्ड का, दैट इज डॉट डॉक एक्स, ठीक है। टेक्स्ट किसका होता है, टेक्स्ट होता है पर्टिकुलरली टेक्स्ट फाइल का, एक्सएल एक्सएस होता है किसका, एक्सएल का, पीपीटी एक्स होता है पीपीटी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो डिफरेंट होस्ट में, डिफरेंट का मतलब क्या है कि आज आप अपने यहाँ पे मोबाइल में खोल रहे हो, अपने लैपटॉप में खोल रहे हो, अपने देश में खोल रहे हो, आप कल के दिन जाते हैं यूरोप में, यूरोप में आप गए, वहां पे आप किसी साइबर कैफे में बैठे और वहां से आपने एक्सेस कर लिया अपने मेल को, तो आपने डिफरेंट होस्ट से अपने मेल को होस्ट कर लिया, दैट इज एसएमटीपी, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एंड लास्ट है सॉफ्टवेयर विच अलाउज यू टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज व्यू दिखाता है, देखने की इजाजत देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज वेब ब्राउजर। जैसे कि कौन कौन से हो गए, मोजिला हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अब आता है एज हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, तो ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर है, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप इंटरनेट सर्फ कर पाओ, सर्च इंजन पर्टिकुलरली आपके पास, आप उसको देख पाओ, सर्च कर पाओ। तो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने, मेरे को इंपॉर्टेंट लगे और आपके एग्जाम के लिए मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में आ सके। तो गाइस बने रहेगा हमारे पर्टिकुलरली चैनल में, सो दैट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।